लूका 7 अध्याय का 16 वचन। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोहों पर कृपा दृष्टि की है। प्रभु यीशु मसीह को प्राकृतिक के ऊपर भी अधिकार था। आंधी और तूफान को भी उन्होंने शांत किया और बीमारियों की बहाने के सामत उनके पास था। शैतान को ऊपर अधिकार था, इस व्यक्ति से बाहर जाओ जाने से उछले जाता। और देखिए मृत्यु को ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह का अधिकार था। प्रभु यीशु मसीह के पास इतना ताकत था, आकाश और पृथ्वी के सारे अधिकार उनके पास है, इसलिए मृत्यु को ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार था। ये लाश ले जाने के जुलूस को प्रभु यीशु मसीह मिला। वो दुख मनाने वाला झुंड नहीं, अभी आनंद के साथ लौटने वाला एक झुंड है। प्रभु यीशु मसीह जहां मृत्यु हो ही वहां पर जीवन दिला के खुशी के रूप में बदलता है। दुखों को, संकटों को, परेशानियों को परमेश्वर बदलने वाला है। सारे परिस्थिति को परमेश्वर बदलता है। जहां लाश ले जाते हैं वहां एक दुखी की बात है, वहां सब रोते होंगे, वहां विलाप करते हैं, दुख से भरे हुए रहते हैं। आशा रहित एक परिस्थिति, ऐसे परिस्थिति क्यों आता है? मनुष्य को जब परमेश्वर ने सृष्टि किया उन्होंने देखा ये अच्छा है। मनुष्य को इतने अच्छे से बनाया, इसके बावजूद मनुष्य का जीवन में इतना दुख और परेशानी क्यों है? लाश को ले जा रहे हैं, आंखों में आंसू, दुख का कारण क्या है? जब इस दुनिया में पाप आया, आदम और हव्वा ने जब परमेश्वर की आज्ञा को ना माने पाप किए, जिस वातावरण में खुशी के माहौल था वहां मृत्यु होने के चलते इतना दुख से भरा हुआ जुलूस निकल गया। जब उन्होंने पाप किया संसार में श्राप आया और वेदना आया, इतने संकट आया और पसीना आया, आखिर में मृत्यु आया। सबका कारण ये पाप है, इसलिए पाप से आपको दूर रहना है। उस पाप को दूर करने के लिए, पाप से बचने के लिए यीशु क्रूस को उठाया, लहू बहाया, मर के तीसरा दिन हमारे लिए जी उठा। आखिर जो दुश्मन मृत्यु पर, परमेश्वर क्रूस पर विजय पाया। इसलिए मेरे प्यारो, इसलिए पाप पर हमें अधिकार रखना है, पाप पर विजय पाना है। जो पाप को नफरत करते हैं उनका दुख और परेशानियां खुशी के रूप में बदलेगा। आज यीशु कहता है उस पाप से दूर रहना है, उस पाप के लिए जो मरा उस यीशु मसीह के ऊपर आपका विश्वास करना है। यीशु को प्रेम करने से आपका घर का सारा परेशानी बदलेगा। हमारे लिए यीशु ने जान दी, इसलिए जो कोई परेशानी में रहते उनको यीशु जरूर मदद करेगा। डरना नहीं, विधवा को जिसने अद्भुत काम किया आपके लिए भी प्रभु अद्भुत काम करेगा। यीशु आपको कभी भी नहीं त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया।